दुनिया की सबसे महंगी सब्जी भी आप बोल सकते हैं। एक यहाँ पर है, यहाँ पे एक और है, एक यहाँ पे और है गाइस, एक यहाँ पे भी है फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और एक नए वीडियो में। जैसे कि आपको मुझे देखकर और बैकग्राउंड को देखकर पता लग ही रहा होगा कि मैं जंगल आई हूँ और मेरे साथ मेरा डॉग भी आया था जो कि वापस चला गया है, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं जहाँ भी जा रही थी वो मेरे पीछे पीछे ही आ रहा था, तो अच्छा भी हुआ कि वो घर चला गया क्योंकि उसके साथ साथ मुझे भी डर लग रहा था। यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा रहता है और मेरे पीछे आप जो हरा पेड़ दिख रहे हैं ना, आप हमेशा मुझे कमेंट करते रहते हैं कि आप अच्छे से बताया करो कौन सा पेड़ क्या कौन से पेड़ के क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे लगते हैं। तो ये जो पेड़ है इसका नाम है काफड़। ये काफ़ी सारे पेड़ लगे हैं, नीचे को भी है, इस साइड को भी है, ऊपर को भी है, हर तरफ को लगे हैं और ये खुद लगते हैं, इनको कोई नहीं लगाते। और ये इसमें जो है अभी अप्रैल मई में काफ़ी लगते हैं। अब ये हरे कलर के हैं और कुछ टाइम बाद ये जो लाल कलर के हो जाएंगे और ये बहुत डिलीशियस होते हैं टेस्ट में। और यहाँ ऊपर में कोई और दिख रहा है कांटेदार फल, ये भी खुद ऑर्गेनिक लगता है, कोई नहीं लगाते इनको। ये तो कांटे, इसमें भी कांटे होते हैं, कांटे तो भले कौर ही उगाए गए। और इसमें भी फ्रूट्स लगते हैं, उनको हम तो नहीं खाते हैं बट इसको काफ़ी लोग खाते हैं, यहाँ पर बहुत पसंद भी करते हैं इसको। तो अभी मैं जंगल आई हूँ और इसमें मैं ऑफकोर्स लकड़ियाँ ले जाऊँगी। तो चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो ये वाला इस तरह का काफड़ का पेड़ होता है और जंगल में जितने भी काफड़ के पेड़ होते हैं ना, इसमें बहुत कम पेड़ों में काफड़ लगते हैं। यहाँ पे इस वाले पेड़ में लगे हुए और उस वाले पेड़ में तो बिल्कुल भी नहीं है और ना ही मुझे उस पेड़ में दिख रहे हैं। 10 पेड़ों में से 2 ही पेड़ों में आपको मिलेंगे काफड़ लगे हुए और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं सच में। बट अभी ये हरे हैं, कुछ टाइम बाद ये लाल हो जाएंगे और फिर ये टेस्ट होते हैं। अभी तो ये बहुत खट्टे होते हैं, अभी इनको खाना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही मैं इधर को वीडियो निकालने के लिए आई ना, तो मुझे चलते चलते एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है, दुनिया की सबसे महंगी सब्जी भी आप बोल सकते हैं। और सभी मशरूम्स में से सबसे महंगे मशरूम यही होते हैं जिनको बोलते हैं गुच्छी, जो कि जंगलों में मिलते हैं। और अब इसका सीज़न ख़त्म ही हो रहा है तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे आज मिलेंगे, बट ये चलते चलते दिखे हैं तो ये तो किस्मत की बात होती है, जो मिलना होता है वो तो मिल के रहता है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये देखो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये देखो। और दूसरी मुझे यहाँ पे मिली है जिसको कि कीड़े ने खा लिया, ये आधी रह गई अब, ये आप देख सकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है ना कि कुछ चीज़ ऐसे ही मिल जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता है, खाली हाथ होता है। जैसे कि अभी मेरे साथ हुआ, अभी चलते चलते मुझे 2 गुच्छियाँ मिली और अभी मैंने पूरे एरिया में वहाँ पर चक्कर मारा जहाँ पर मुझे मिली, तो मुझे एक भी नहीं मिली। तो ये होता है, अचानक से मुझे मिली और जब ढूंढा तब नहीं मिली। तो चलिए अब अपना काम करती हूँ मैं, जिसके लिए मैं आई हूँ। तो अभी ना मैं इस फिल्टे को यहाँ पे रख रही हूँ चुप ऐसे ही, इसमें मैं बाद में लकड़ियाँ भरूँगी जब मैं घर जाऊँगी। तो अभी मैंने ये कुट्टी लाई है साथ में, तो इस कुट्टी की हेल्प से ना मैं यहाँ पे जो छैण है ना नीचे गिरा हुआ, जैसे ये है जो चील के पेड़ से गिरता है, तो इसको मैं इकट्ठा करूँगी। ये ना गाय को नीचे शेड में बिछाने के काम आता है, तो इसको मैं इससे फटाफट इकट्ठा करूँगी इस तरह से, देखो। तो फ्रेंड्स वहाँ से लेकर ना मैंने इकट्ठा कर दिया है नीचे से, और यहाँ से मुझे करना है अभी पीछे से देखो, और ऊपर वाली साइड को मैंने इकट्ठा कर दिया है, वहाँ आप देख सकते हैं। तो आई थिंक 2 भाई तो यहाँ पे हो ही गए हैं। तो अभी मैं फिलहाल लकड़ी ले जाऊँगी घंटे में पहले, फिर मैं घर से वापस आऊँगी और फिर इसको ले जाऊँगी। तो नीचे देखो पीछे यहाँ सारा मैंने इकट्ठा कर दिया है जितना कर मुझे इकट्ठा करना था, 2 घर भारे यहाँ पर हो जाएंगे। और यहाँ पर ना बिल्कुल भी टाइम का आइडिया नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर धूप आती नहीं है, बीच बीच में आती है पेड़ पौधों के कारण। तो अभी टाइम सिर्फ 2:30 बजे हैं और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत शाम हो गई है। और बाहर वाली साइड को जाऊँगी ना, घर वाली साइड को, वहाँ तो इतनी धूप लगेगी, इतनी धूप होती है ना। तो चलिए अब मैं अपना किल्टा भरती हूँ और फिर मैं चलती हूँ घर। और यहाँ पे ऊपर को इतना घना जंगल है ना, और यहाँ पे ना जंगली जानवरों का खतरा ज़्यादा ही रहता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ हैं। मैं इस वाली जगह को खुद फर्स्ट टाइम आई हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे पता था कि यहाँ पर ये चीज़ छैन जो मिलेगा, तो तभी मैं यहाँ को आई थी। तो चलिए चलते हैं यहाँ से अब। फाइनली गाइज मैं आ गई हूँ घर अपना फिल्टा भर के। तो चलिए अभी मैं घर जाऊँगी और उसके बाद फिर से जंगल आना है वापस। सो फ्रेंड्स मैं घर से वापस आ चुकी हूँ और अब फिर से जंगल जा रही हूँ, और आगे मैंने मम्मी को भेजा हुआ है, मम्मी बाहर लगा रहे हैं उतने में खुद को भी और मेरे को भी, और मैं जाऊँगी और उठाऊँगी घर जाऊँगी फिर। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर धूप सीधी आती है ना पार से देखो, और उस साइड को मेरा घर दिख रहा होगा पार। और यहाँ पर ये कांटेदार फल है, हीर बोलते हैं, इसमें येलो कलर के फ्रूट लगते हैं जो कि मैं बताती हूँ आपको अच्छे से।
ये देखो इस तरह से इसमें गिर गए हैं सारे। देखो यहाँ से भी गिर गया है क्योंकि यहाँ पे धूप सीधी आती है ना पास, ये जल्दी पक गए। बट जो जो पके हैं वो गिर गए सीधे फिर, और काफ़ी सारे इसमें पके नहीं है अभी। ये देखो ये भी खुलेंगे फिर इसमें ऐसे निकलते हैं, देखो ऐसे येलो कलर के फ्रूट लगते हैं फिर इसमें, जैसे कि यहाँ पे लग गया हुआ है। ये देखो तो हमारे इनको हीर बोलते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं ये भी खाने में, रसीले होते हैं बहुत ही अच्छे। फ्रेंड्स मैं इधर वाले जंगल में आ गई और मम्मी जो बाहर लगा रहे हैं, और मैं उतने में गुच्छियाँ ढूंढ रही हूँ, और गुच्छियाँ ढूंढते ढूंढते देखो मैं कहाँ पहुँच गई, मैं यहाँ पहुँच गई जहाँ पे ये नाला है, नीचे आ गई मतलब बहुत। और गुच्छियाँ मुझे ऊपर से लेकर एक भी नहीं मिली, यहाँ पहुँच के मुझे एक गुच्छी मिली है और मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ बिल्कुल इतने सारे घास के बीच में दिखी है मुझे। और यहाँ पे ये जो है ये देखो, और ये पुरानी भी काफ़ी है, देखो पता नहीं कब की उग गई थी ये, किसी ने देखी नहीं, तो अभी मुझे ऐसे चलते चलते दिखी है अचानक से। ये देखो एक यहाँ पे और है गाइस, पर इसको ना पूरा ही कीड़े मकोड़ों ने खा लिया है एक साइड से। ये देखो एक यहाँ पे भी है फ्रेंड्स, ये किसी को दिखा नहीं है पर इसके ऊपर पाँव छोड़ दिया है किसी ने, ये देखो लग गया होगा पाँव किसी की गलती से, टूट गया है ये देखो इसका आगे वाला हिस्सा जो है पूरा निकल गया। ये देखो फाइनली गाइस मैं पहुँच गई हूँ उसी जगह पे जहाँ पे पहले थी, और ये देखो ये मेरे लिए भाला लगा के रखा है मम्मी ने, और खुद मम्मी निकल गए, और अब मुझे ये पीठ में पहुँचाना पड़ेगा घर, तो चलिए चलते हैं घर की तरफ। सो फ्रेंड्स उठा लिया मैंने अपना भाला और मेरे बाजू अटक गए दोनों, ये देखो तो अभी सेल्फी स्टिक का अच्छा यूज़ हो गया यहाँ पे। और रास्ते ना जंगल में बड़ी मुश्किल जाके बनाने पड़ते हैं, खुद बनाने पड़ते हैं रास्ते, इसको कैसे कैसे ये होता है ना जिस जंगल में, देखो खुद आना पड़ता है, खुद रास्ते बनाने पड़ते हैं, तब जाके अब मैं मेन रास्ते तक पहुँची हूँ जहाँ से कि रास्ता ऑलरेडी लगा हुआ है। घर में पहुँचने के बाद ना मैं यहाँ पे किचन में बैठी और ये वाला काम मिला है मुझे मक्खन लगाने का। तो फ्रेंड्स अभी ना मैं रूम आ चुकी हूँ, और जो गुच्छी होते हैं ना इनको गुच्छी तो हिंदी में बोलते हैं, पर हमारी पहाड़ी भाषा में इनको बोलते हैं डुंगड़ू। तो आप जहाँ से भी ये व्लॉग देख रहे हैं, अगर आप पहाड़ों से हो, अगर आपके वहाँ पे भी ये होती है, तो आप मुझे बताना कि आपकी लोकल भाषा में इनको क्या कहते हैं, जैसे हमारे डुंगड़ू बोलते हैं तो आपके क्या बोलते हैं, अगर आप पहाड़ों से मेरे वीडियो को देख रहे होंगे। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम अपनी मंजिल के बहुत नज़दीक है गाइस। तो आप सभी का सपोर्ट मैटर करता है, थैंक यू सो मच आज तक इतना सपोर्ट करने के लिए, आगे भी अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो थैंक यू सो मच, और जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।